Hello, this is Sam Iqbal and you're watching another brand new episode of this transformation at home of 21 days challenge. और आज जो हमारी एक्सरसाइज होगी आज हमारी दोबारा से चेस्ट की और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होगी. और आज का मेरा प्लान ये था कि मैं आज की जितनी एक्सरसाइज करूँगा आज मैं उनको डंबल्स के किसी भी इक्विपमेंट के बगैर करने वाला हूँ, जिसके ना डंबल्स यूज़ होंगे ना रेजिस्टेंस बैंड्स यूज़ होंगे, बिकॉज मेरे पास अभी इस टाइम पे छत के ऊपर रेजिस्टेंस बैंड्स और डंबल्स मेरे पास घर में अवेलेबल हैं इक्विपमेंट्स के अंदर, लेकिन मैं आज उन दोनों को यूज़ नहीं करने वाला और आज मैं चेस्ट करने वाला हूँ फुल बॉडी वेट के ऊपर. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ और हर अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे साथ साथ. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. तो आज हम जो सबसे पहली एक्सरसाइज अपनी करने वाले हैं वो है चेस्ट की. और चेस्ट के अंदर आज मेरा प्लान ये है कि आज मैं क्योंकि कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं उसकी जगह पर सिर्फ अपना बॉडी वेट यूज़ कर रहा हूँ. आज मैं सिर्फ आपको पुशअप्स की 3 डिफरेंट वेरिएशंस दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग जो डंबल्स के साथ और रॉड्स के साथ जिम के अंदर या रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ घर पे हम लोग अपने अपर पार्ट को चेस्ट के लोअर पार्ट को और फुल चेस्ट को जो हम लोग हिट कर रहे होते हैं, आज वही 3 पार्ट्स में आपको पुशअप्स के साथ उसके डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हिट करके दिखाने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की गेम. चेस्ट के अंदर जो आज हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो होगी डिक्लाइन पुशअप्स. और डिक्लाइन पुशअप्स जो उनसे होती हैं वो आपकी नॉर्मली आपके अपर चेस्ट के पार्ट को हिट करती हैं. फर्स्ट सेट मैंने अपना डिक्लाइन पुशअप्स के साथ कंप्लीट किया है अभी और मैंने इसके 15 रेप्स किए हैं अभी. और मैं 15 रेप्स के साथ टोटल 3 सेट करने वाला हूँ, जिनमें से 2 ऑन कैमरा होंगे और 3rd मैं ऑफ कैमरा करूँगा. और ये जो एक्सरसाइज है ये स्पेसिफिकली आपकी, वैसे तो ऑब्वियसली चेस्ट की एक्सरसाइज के अंदर आपकी फुल चेस्ट जोन सी है, आप पुशअप्स के कोई भी आप एंगल लगा रहे हो तो आपकी चेस्ट जोन सी वो आपकी उसके साथ साथ हिट हो रही होती है. बट जो प्राइमरी मसल इस एक्सरसाइज के अंदर आपका टारगेट हो रहा होता है वो होता है आपका चेस्ट का जो अपर पार्ट होता है. इस अपर पार्ट के ऊपर आपका पूरा जोर पड़ता है इस डिक्लाइन पुशअप्स के ऊपर, जो मैं भी आपको एक सेट लगा के दिखा दी है. और ये बिल्कुल वही एंगल है जो हम लोग जिम के अंदर इंक्लाइन जो हमारे पास बेंच होता है हम उसके ऊपर जो एंगल लगा रहे होते हैं, हल्का सा इंक्लाइन एंगल के ऊपर जो हम लोग डंबल्स को उठा रहे होते हैं, ये ऑलमोस्ट वही एंगल है. लेकिन ये पुशअप्स के ऊपर एंगल है जो कि हम डिक्लाइन पुशअप्स के साथ लगा के अपनी अपर चेस्ट को हिट करते हैं. तो इसके साथ ही मेरा फर्स्ट वर्कआउट कम्प्लीट होता है चेस्ट का, जिसके अंदर हमने डिक्लाइन पुशअप्स की थी और हमने इसके अंदर अपना जो अपर पार्ट था चेस्ट का हम उसको टारगेट किया था. अब मैं इसी की पुशअप्स की एक और वेरिएशन लूँगा जिसके अंदर हम चेस्ट के लोअर पार्ट को हिट करेंगे और वो होगी हमारी इंक्लाइन पुशअप्स, जो कि मैं चेयर को यूज़ करके ही ये वाला एंगल भी आपके सामने करके दिखाता हूँ आपको. फर्स्ट मैंने अपना सेट कंप्लीट किया है इंक्लाइन पुशअप्स के ऊपर और इस एंगल के अंदर जो हम लोग चेयर के ऊपर पुशअप्स लगाते हैं ना ऊपर ला के हम लोग मसल को रोकते हैं, तो ये इसका एंगल इस तरह से है कि आपका जो चेस्ट का जो लोअर पार्ट होता है आपका वो टारगेट होता है. वैसे आपकी चेस्ट का मसल टारगेट हो रहा होता है पूरा, लेकिन इसका जो प्राइमरी मसल आपका टारगेट हो रहा था वो आपका चेस्ट का लोअर पार्ट होता है. तो अगर आप चेस्ट के लोअर पार्ट को डेवलप करना चाहते हो तो इंक्लाइन पुशअप्स की जो उनकी एक्सरसाइज है ये एक होम वर्कआउट के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज गिनी जाती है. एक्सरसाइज हमेशा अपना सेट जो है आपका रैप होना चाहिए जो उनका वो आपका हमेशा स्लो होना चाहिए. जितना आप स्लो लगाओगे उतना आप मसल को ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर ला के हल्का सा अपने मसल को आपने अपनी अपने पोस्चर को आपने रोकना होता है. तो जब आप जाके रोकते हो, जब आप पुशअप लगा के जब आप ऊपर आते हो, ऊपर आके जब आपने मसल को रोकते हो यहाँ पे, तो आपका पूरी तरह से ये वाला मसल जो उनसे है. अगर आप डिक्लाइन कह रहे हो जब आप वहाँ से ऊपर ला के रोकोगे तो आपका अपर चेस्ट का मसल टारगेट हो रहा होगा. जब आप इंक्लाइन के एंगल के ऊपर कह रहे हो तो जब आप ऊपर ला के रोकोगे इसको और स्लो लगाओगे तो आपका लोअर चेस्ट का मसल जो है वो टारगेट हो रहा होता है.
तो दूसरा सेट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया इंक्लाइन पुशअप्स के ऊपर। अब इस टाइम पे मैं अपनी दो गेम्स के अंदर अपना चेस्ट का अपर पार्ट और चेस्ट का लोअर पार्ट दोनों पार्ट्स को मैं टारगेट कर चुका हूँ। और जब मैं अपनी थर्ड जो वेरिएशन करने वाला हूँ पुशअप्स की, वो होगी हमारी स्टैंडर्ड पुशअप्स। फर्स्ट सेट मैंने अपना स्टैंडर्ड पुशअप्स के साथ भी कंप्लीट किया है। और इसका होता ये है कि जो हमने अपनी फर्स्ट जो से दो गेम्स की थी उसके अंदर फर्स्ट हमारी जो से डिक्लाइन पुशअप्स थी उसमें हमारा चेस्ट का जो है वो अपर पार्ट टारगेट हो रहा होता है, और सेकंड गेम जो इंक्लाइन पुशअप्स की थी उसके अंदर हमारा लोअर पार्ट टारगेट हो रहा होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड पुशअप्स हैं ये आपके पूरे चेस्ट के पार्ट को अपर, लोअर और मिडिल, ये उन तीनों पार्ट्स को हिट करने के लिए एक ही गेम है जो आपका पूरा चेस्ट का मसल जो है वो डेवलप करती है। और इसके साथ मैंने इसके 15 रेप्स किए हैं जिससे मैंने पहली दो चेस्ट के एक्सरसाइज के किए थे 15 रेप्स, और उनके तीन तीन सेट्स कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर मैं अपना एक सेट अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी मैं अपना सेकेंड सेट लगाऊंगा और उसके बाद हम अपनी आज की सेकेंड गेम जो कि ट्राइसेप्स की होगी उसके ऊपर आते हैं। तो सेकेंड सेट मेरा कंप्लीट हो गया है स्टैंडर्ड पुशअप्स के साथ। और इस थर्ड गेम के अंदर जो एंगल है आपका वो इतना स्मूथ होना चाहिए, इतना आप स्लो लगाओ और पूरा आपने मसल को आप टारगेट करो। तो ये भी बिल्कुल एक्सरसाइज वैसे ही है, ये भी आपके जिस तरह से आप एक्सरसाइज अपने रेप्स को आप बढ़ाते जाते हो। मैंने 15 रेप्स किए हैं तो किसी के ऊपर वो नहीं है कि आपने 15 ही करने हैं। अगर आपसे 15 नहीं हो रहे हैं तो आप 10 कर सकते हो, तो आप 10 करोगे, ठीक है, आप 10 करो। और उसके अलावा अगर कुछ लोग, क्योंकि जो लोग थोड़ी सी जिनकी फिजीक जो उनसी है या तो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं या थोड़ा बहुत उनके अंदर फैट होता है, तो उनसे जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो रही होती 15 रेप्स तक, वो नहीं जा सकते। तो उनके लिए अभी इस टाइम पे आपको मैं एक एंगल दिखा रहा हूँ, इसको हाफ पुशअप्स का एंगल कहते हैं, जिसके अंदर आप अपनी नीज़ के ऊपर, आपने पाँव की जगह पर अपनी टोज की जगह आप नीज़ का जो है वो सहारा लेके ज़मीन के साथ, और आप फिर अपना जो है वो पुशअप का अपना एंगल एक कंप्लीट करते हो ये वाला। तो ये वाला कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी एंगल होता है। तो अगर आपके साथ इस स्टैंडर्ड पुशअप्स का एंगल करते हुए आपको थोड़ा सा कोई आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप ये वाला एंगल कर सकते हो जो कि आपके मसल को उसी तरह से टारगेट करेगा। और जैसे आपका कोर की आपकी स्ट्रेंथ आपकी बेहतर होती जाती है, तो आप अपना एंगल जो है वो हाफ से अपने फुल के ऊपर एंगल के ऊपर आ सकते हो। तो इसके साथ हमारी आज की जो सी चेस्ट की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के ऊपर। तो आज की जो हमारी ट्राइसेप्स की फर्स्ट गेम होगी वो हम करेंगे डायमंड पुशअप्स। और इन पुशअप्स का अब मेरा जो चेस्ट को और ट्राइसेप्स को कंबाइन एक्सरसाइजिंग की करने का, इन सिंगल डे करने का जो मेरा जो एक पर्पज़ होता है, उसके जब भी आप चेस्ट लगा रहे होते हो तो उसके अंदर आपका एज अ सेकेंडरी मसल आपका ट्राइसेप्स इन्वॉल्व हो रहा होता है साथ साथ। तो अगर आप उसके साथ अगर आप ट्राइसेप्स की गेमिंग कर लेते हो तो आपको जो है वो दोनों मसल्स आपके चेस्ट और ट्राई के अंदर दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो टारगेट होते रहते हैं। अब जिस तरह से मैंने अपनी अभी फर्स्ट जो चेस्ट की एक्सरसाइज की थी उसके अंदर मेरा ट्राइसेप्स जो है वो सेकेंडरी मसल एज ए सेकेंडरी मसल इन्वॉल्व था, और अब जब मैं पुशअप्स स्टार्ट कर रहा हूँ डायमंड पुशअप्स करूँगा तो उसके अंदर भी, इसके अंदर मेरा जो है प्राइमरी मसल जो होगा वो मेरा ट्राइसेप्स का हिट होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो डायमंड पुशअप्स होती है वो आपकी इनर चेस्ट की एक्सरसाइज भी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डायमंड पुशअप्स का फर्स्ट सेट। और डायमंड पुशअप्स का हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया है।
और इसके अंदर जैसे मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप सेट लगा के जब आप अगर आप स्लो लगाओगे तो आपका एक तो आपके चेस्ट के मसल्स को टारगेट करेगी, जिसके अंदर चेस्ट के मसल का आपका इनर पार्ट होता है, जो इनर पार्ट होगा डायमंड पुशअप जोन से या जो ऊपर ला के इसको रोकते हो पॉज देते हो तो आपका जो सा इनर पार्ट होगा चेस्ट का वो टारगेट होता है, प्लस उसके साथ जो प्राइमरी मसल आपका हिट हो रहा होता है वो आपका ट्राइसेप्स का मसल होता है। तो इसके साथ ही हमारा ट्राइसेप्स का डायमंड पुशअप्स की एक्सरसाइज के हमारे दो सेट कंप्लीट होते हैं, थर्ड में ऑफ कैमरा करूँगा और हमने अपनी ट्राइसेप्स को अभी टारगेट कर लिया अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब मैं सेकंड जो एक्सरसाइज होगी वो मैं चेयर को यूज़ करूँगा और मैं डिप्स करूँगा और उसके थ्रू हम लोग दोबारा से अपने ट्राइसेप्स का लॉन्गर हेड उसका टारगेट करेंगे और उसके अपनी गेम को वाइंड अप करते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है अभी डिप्स के साथ और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी ट्राइसेप्स के आपके जो लॉन्गर हेड होता है आपका ये उसको टारगेट करने के लिए होती है। और वही बात है, स्लो लगाओगे जितना ऊपर ला के पॉज दोगे स्ट्रेच करोगे अपने मसल को फिर आप वापस जाओगे इतना स्लो लगाओगे उतना बेहतर आपका ये एंगल लगेगा। और इसके अंदर मैं हर बार जब मैं डिप्स की गेम करता हूँ तो उसके अंदर मैं टिल फेलियर तक जाता हूँ कि आपने 15 रेप्स या 12 रेप्स या आपने 10 रेप्स नहीं करने होते, जितने आप मैक्सिमम लगा सकते हो आप उतने मैक्सिमम लगाओ। अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट इवन 5 भी है तो आपके 5 होने चाहिए, अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट 20 है तो आप 20 करो। और मैंने इस तरीके अपनी एक्सरसाइज के अंदर 20 रेप्स किए हैं। तो दो सेट मेरे डिप्स के कंप्लीट हो गए हैं, अब आज की मेरी चेस्ट की और ट्राइसेप्स दोनों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी एक्सरसाइज के एंड होने के साथ ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल के अंदर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सेकेंडली ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करना चाहें तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपने पूरी वीडियो देख ली है, तो चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, आपको सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर शो हो रहा होगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ मिलती रहें साथ साथ ही। और इसके साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।